हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन केयरवेल मेडिकल सेंटर से। आज हम बात करने जा रहे हैं एलोपेशिया एरियाटा, यानी कि ऐसे बाल जो बीच में आपका पैची हेयर लॉस हो जाता है। इस पर हमने कुछ वीडियोस पहले भी बनाया और आप देख सकते हैं कि एलोपेशिया एरियाटा में कैसे आपको जो हेयर लॉस है कुछ पैचेस में होता है और वो एरिया बिल्कुल खाली हो जाता है, वहाँ पर बाल बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, आप हमने पहले भी कुछ और वीडियोस बनाए और बहुत से लोगों का ये पूछना है कि एलोपेशिया एरियाटा में सबसे सस्ता और सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट क्या है। तो देखिए, अभी तक जो सबसे इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है अर्ली स्टेजेस ऑफ एलोपेशिया एरियाटा का शुरुआत होता है, एक या दो पैचेस हैं तो इसमें इसके इंट्रालीजनल कॉर्टिकोस्टेरॉयड हैं, यानी कीनाकॉर्ट के इंजेक्शन हैं। कीनाकॉर्ट एक स्टेरॉयड होता है जिसको इस लीजन में लगाया जाता है, पैच में लगाया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। सबसे फास्ट, सबसे इफेक्टिव और सबसे सस्ता ये ट्रीटमेंट है जो एलोपेशिया एरियाटा के शुरुआत की स्टेजेस में काम करता है। और कई बार ये बार बार देने के बाद भी स्टेरॉयड के इंजेक्शन हो सकता है वो पैच रिकवर ना हो या वो रिजल्ट ना आए, इसका मतलब फिर वो स्टेरॉयड रेजिस्टेंट हो चुका है, उस केस में स्टेरॉयड वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर शुरुआत है आपका और अगर आप ये इंजेक्शन देते हैं तो बहुत से केसेस में एक या दो महीने में वो बाल वापस आ जाते हैं। इसलिए सस्ता और काफ़ी इफेक्टिव ट्रीटमेंट माना जाता है एलोपेशिया एरियाटा के मैनेजमेंट के अंदर। एक बात का यह ध्यान रखना है कि अगर हम कीनाकॉर्ट दे रहे हैं तो उसको प्रॉपरली डाइल्यूट करके दें, बहुत हाई डोज में ना दें, नहीं तो वहाँ की स्किन एट्रॉफिक कर सकती है। और अगेन, इसको आप एक डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेंगे, खुद नहीं लेंगे, क्योंकि स्टेरॉइड्स के अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये तो पहला ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया जो काफ़ी इफ़ेक्टिव है। इसके साथ साथ टॉपिकली यानी कि ऊपर लगाने के लिए कुछ लोग फॉलिका जैसे कुछ लोशंस हैं जो सेंसिटाइजर्स हैं, मिनोक्सिडिल है, इसको भी इस्तेमाल करते हैं ताकि कुछ रिज़ल्ट बेटर हो सकें। इनके रिजल्ट्स बहुत मॉडरेट होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हमें स्टेरॉयड के इंजेक्शन से आते हैं। टॉपिकली हम टेक्रोलिमस का भी इस्तेमाल करते हैं, जो टेक्रोलिमस ऑइंटमेंट या लोशन के फॉर्म में आता है। अगेन, इसका जो रिज़ल्ट है टेक्रोलिमस का, इसका रिज़ल्ट भी बहुत मॉडरेट ही होता है। किसी किसी केस में अच्छा दिखता है, बट बहुत से केसेस में इसके रिजल्ट नहीं भी आते। कुछ समय पहले तक और अभी भी कई लोग DPCP यानी ये कंपाउंड है जिसको DPCP के नाम से बोला जाता है, इसको स्कैल्प पे लगाते हैं एज अ फोटो सेंसिटाइजर। तो बहुत से लोगों के क्वेश्चन उठे कि कहाँ मिल रहा है और कैसे लगाएं। तो देखिए, ये ऐसा कंपाउंड है जो आपको केमिस्ट के पास नहीं मिलेगा, क्योंकि तो काफ़ी टॉक्सिक कंपाउंड है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। और इसको लगाने के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए जो इसको लगाने के लिए ट्रेंड है। अपने आप इसको नहीं लगाना है, तो इसको आप खुद लगा के कोशिश मत करें, वरना आपके उस एरिया में ब्लिस्टर हो सकते हैं, बर्न्स हो सकते हैं। तो अंडर डॉक्टर सुपरविजन ही आपको इसको यूज़ करना चाहिए DPCP को। तो ये एक ट्रीटमेंट है जो काफ़ी इस्तेमाल होता है, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास करके डर्मेटोलॉजिस्ट अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं एलोपेशिया एरियाटा विद अवर स्टेरॉइड्स एंड इंजेक्शंस। आजकल कौन सा ट्रीटमेंट है जो सबसे पॉपुलर माना जा रहा है एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट में? तो वो है JAK2 इनिबिटर्स। इसमें ये कंपाउंड है टोफासिटिनिब 5 मिलीग्राम, दिन में 2 बार इसको लेना होता है। ये बहुत पॉपुलर है, बहुत से लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं एलोपेशिया एरियाटा में, और 2 से 3 महीने में इसका एक अच्छा रिजल्ट आ जाता है। अब मैंने क्या देखा एलोपेशिया एरियाटा में, जो लीजन्स आपके 1 या 2 साल पुराने तक हैं वो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, पर जो 2 साल से ज़्यादा पुराने हैं, खास करके जो 5 साल से पुराना लीजन है, हो सकता है वो किसी भी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड ना करें। तो अगर आपको एलोपेशिया एरियाटा है तो इसका ट्रीटमेंट जल्दी शुरू करें, वेट ना करें, क्योंकि अगर इसका रिजल्ट जल्दी नहीं आया तो बाद में फिर रिजल्ट आने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो JAK2 इनिबिटर यानी टोफासिटिनिब एक ओरल ट्रीटमेंट है एलोपेशिया एरियाटा के लिए जो काफ़ी इस्तेमाल होता है। कभी कभी हम पल्स थेरेपी देते हैं स्टेरॉइड्स की, जैसे बेटनेसोल है उसकी, साथ में एजाथायप्रिम, उसका भी इस्तेमाल किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। तो ये पल्स थेरेपी ऑफ स्टेरॉइड्स एंड इम्यूनोमॉड्यूलेटर जैसे एजाथायप्रिम है, इसका भी इस्तेमाल करते हैं अगर पेशेंट को रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है नॉर्मल ट्रीटमेंट से। तो ये डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं जो आज अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं एलोपेशिया एरियाटा के ट्रीटमेंट में। पर एक ही बात, ये ट्रीटमेंट लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें और डॉक्टर के सुपरविजन में इन ट्रीटमेंट्स को लें। अर्ली स्टेजेस में एलोपेशिया एरियाटा में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, और यहीं जब ये बीमारी 4-5 साल पुरानी हो जाती है तो कोई भी ट्रीटमेंट इसमें उतना इफ़ेक्टिव नहीं होता। एक्सपेरिमेंटली अभी मीजेनकाइमल स्टेम सेल्स यानी
जो फैट्स टिश्यू हम लेते हैं उसमें से मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स को निकाल के भी इंजेक्ट किया जा रहा है एलोपेशिया रेटा के ट्रीटमेंट के लिए। एक लेटेस्ट मोडालिटी है जिस पर अभी रिसर्च चल रहा है और काम चल रहा है। इसी तरह से टोफासिट्रिप ऑइंटमेंट को भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसके एलोपेशिया रेटा के ट्रीटमेंट में, लेकिन अभी तक ये इंडियन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, डॉक्टर संदीप बसीन फ्रॉम केयरवेल मेडिकल सेंटर।